दोस्तों ये स्पेशल चटनी रेसिपी तैयार की जा रही है। इसमें दो टमाटर काट के जो है मिक्सी के जार में ले लिए गए हैं, और कुछ कलियां जो हैं लहसुन की डाल दी गई हैं। और ये चटनी कब बनानी है हमको, जब घर में हमारे धनिया नहीं है, पुदीना नहीं है, बरसात हो रही है और वो सामान आने मुश्किल है। और इसमें थोड़ा सा मिंट पाउडर डाल दिया गया है, मिंट पाउडर डाला जा रहा है, स्वाद के अनुसार थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं। और मिंट पाउडर डालकर इसमें हमें जो है मिंट पाउडर के सफिशेंट मिंट पाउडर डालने के बाद, ज़्यादा नहीं डालना, करीब 1 या 2 ग्राम डालना है। इसके बाद हमने लिया है कैरी का अचार। कैरी का अचार ना हो तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं, और स्वाद के अनुसार उसमें मसाले डाले जा रहे हैं। नमक डाल दिया गया है, तो थोड़ी सी जीरा डाल दिया गया है, और थोड़ी सी खटाई भी डाल दी गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत इम्यूनिटी बूस्टर चटनी होगी। और इसमें जो है 2 प्याज काट कर और डाल दी गई हैं। तो बेसिकली ये प्याज टमाटर की चटनी है, और इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला जा रहा है, ये स्वाद के अनुसार, जो कि चटनी को बहुत डाइजेस्टिव बनाएगा और बहुत फायदेमंद होगी, टेस्टी भी होगी और डाइजेस्टिव होगी। घरों में अक्सर जो प्रॉब्लम आती है कि धनिया नहीं है या पुदीना नहीं है, तो हम ये रेसिपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, और इसमें 2 मिर्च डाली गई हैं जो थोड़ी सी इसको स्पाइसी बनाएंगी। हल्का सा पानी डालकर इसे जो है मिक्सी पर चलाया जा रहा है, और ये मिक्सी पर चला जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और ये 2-3 मिनट में मिक्सी चलाने के बाद बहुत अच्छी जगह दिख जाएगी, और बहुत टेस्टी और बहुत डिजी से चटनी बनेगी, और चटनी तैयार मिक्सी कर रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कमेंट और क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करें। और चटनी पिस गई है, पलट ली है, टेस्टी चटनी तैयार है, और ये सैंडविच या पराठे किसी से खा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।